जय रंगमंच की प्रस्तुति प्रकाश भाटिया जी के साथ बातें फिल्मों की। तो थोड़े ही दिनों में वो एक सपोलिए को जन्म देने वाली है, अपने पाप के कलंक को हमारे माथे पर थोपने वाली है। क्या कह रही हो भाभी? वही कह रही हूँ जो सारी दुनिया कह रही है। पूरे 4 दिन एक डाकू के पास रह कर आई थी, और वो भी जग्गा जैसा डाकू, याद नहीं किस अपराध की सजा दिलवाई थी उसे। दुनिया को गंध उछालने में मजा आता है, जैसे लोग होते वैसे दूसरे को भी समझते। तो क्या तुम भगवान राम से भी बढ़कर हो? जानते हो सती सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी इसी दुनिया के कहने पर ना। भाभी बातें फिल्मों की में जय रंगमंच के दर्शकों को प्रकाश भाटिया का प्यार भरा नमस्कार। आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने अपने एपिसोड की शुरुआत हंसी से क्यों की। मैं हंसी से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे शोले की मौसी जी वो याद आ गई। मौसी जी जी, आज हम आपका तारुफ करवा रहे हैं उसी मौसी से जिसे दुनिया लीला मिश्रा के नाम से जानती है। लीला मिश्रा जी का जन्म 1 जनवरी 1908 में जैश नाम के गांव रायबरेली के आसपास, कोई गांव होगा या है, वहां हुआ था। फिल्मों से इनका अपने लेवल पे कोई वास्ता नहीं था। 12 वर्ष की आयु में रामप्रसाद मिश्रा से इनका विवाह हुआ, जो उन दिनों साइलेंट फिल्मों में छोटे मोटे रोल किया करते थे। इस नाते ये वहाँ मुंबई इनके साथ पहुँची। अब वो फिल्मों में काम करते थे, ये हाउसवाइफ थी, इनको फिल्मों से कोई लेना देना नहीं था, अपना घर चला रही थी। जो खर्चा पानी वो दे आते थे उससे घर चलता था। और 14-15 साल तक तो 2 बेटियों की माँ भी बन चुकी थी। अब इनके एक जानकार थे मामा शिंदे, वो दादा साहब फाल्के के नासिक के स्टूडियो में काम करते थे, और उस युग में एक्ट्रेसेस बहुत कम मिलती थी, बड़ी मुश्किल से मिलती थी रोल करने के लिए। तो मामा शिंदे जी ने इनके पति को और इनको बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई तुम तो काम करते ही रहते हो, तुम भी नासिक चले जाओ, तुम्हें भी परमानेंट कुछ काम मिल जाएगा वहाँ, और इन्हें तो मिल ही जाएगा क्योंकि महिलाएं मिलती नहीं हैं, ये काम करेंगी तो कुछ गाड़ी आपकी अच्छी चलेगी। तो पहले तो इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, इनके पति देव फिल्म की रील दिखाते थे कि ऐसे ऐसे तुम आओगी उसमें, तो इन्हें कुछ नहीं समझ आया कि भाई इतनी मोटी सी मैं इसमें घुसूँगी कैसे, कि उनके वर्ड थे कि मैं इतनी मोटी सी इसमें कैसे आऊँगी। तो उन्होंने वो से समझाते रहे, लेकिन लीला मिश्रा को ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। तो लीला मिश्रा जी और बड़ी मुश्किल से मानी और नासिक गई। अब देखिए, पे पैरिटी की हम बात करते हैं कि भाई बराबर की तनख्वाह होनी चाहिए, वहाँ उल्टा हुआ। इनके पतिदेव को 150 रुपये महीने पर रखा गया और इन्हें 500 रुपये महीने पर, कि भाई कहीं भाग ना जाए, बड़ी मुश्किल से एक औरत आई है रोल करने के लिए। लेकिन दोनों कैमरा के आगे बुरी तरह फेल हुए, नहीं कर पाए, लिहाजा इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, वापस ये घर आ गए। फिर किसी तरह मामा शिंदे जी ने इनको कहीं और काम दिलवाया। इनके पतिदेव को तो मिल ही जाता था छोटा मोटा, इनको काम मिला। और उस ज़माने के बड़े खूबसूरत हीरो थे मनहर देसाई, उनके सामने इनको हीरोइन रखा गया और इनको कहा गया कि आप का सीन ये है कि आप गले मिलके इनसे कहेंगी कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। इन्होंने छूटते ही कह दिया कि ये तो मैं बोलूँगी नहीं और पराया मर्द को तो मैं छूँगी नहीं, चाहे मुझे रोल करना पड़े चाहे ना करना पड़े। तो सारा यूनियन डायरेक्टर हैरान हो गए, लेकिन इनकी बेबाकी से डायरेक्टर साहब खुश थे कि जो बोला इन्होंने साफ बोल दिया। तो लिहाजा इसको निकालना भी नहीं चाहते थे, लेकिन रोल कहाँ दें। तो उन्होंने वो छोटी सी उम्र में जहाँ वो हीरो की हीरोइन बन रही थी वहाँ हीरो की माँ बना दिया इन्हें। तो इस तरह सफ़र शुरू हुआ
लीला मिश्रा का माँ, मौसी, दादी, चाची, अम्मी, इस तरह के रोल का। और रोल करते करते वो इतनी मच गई, इतनी नेचुरल एक्ट्रेस थी, इतनी नेचुरल एक्ट्रेस कि मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। ना इन्होंने कभी कहीं ट्रेनिंग ली होगी, ना कुछ। मेरे ख्याल में इन्हें अंग्रेज़ी भी सीखी थी या नहीं सीखी थी मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदी इतनी बढ़िया बोल जाती थी क्योंकि हिंदी बोलने के प्रदेश से थी और हिंदी अच्छी रही होगी उनकी, जाहिर है, लेकिन इतना नेचुरल बोल जाती थी। अब आप कोई भी फिल्म देख लीजिए, आपने तो कई फिल्में देखी होंगी इनकी। आवारा में भी एक छोटे से रोल में बहुत खूबसूरत लगती है। देख रघु, मैं फिर कह देती हूँ, इस घर में बच्चा नहीं जलेगी। उसे अपने पाप को जन्म देना है तो कहीं और जाकर अपना मुंह काला करे। ये कलंक टीका मैं अपने खानदान को नहीं लगने दूंगी। इस कलंक ने तो मैं इस घर से निकाल कर रहूंगी, निकाल कर रहूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मतलब मैं किस पिक्चर का नाम लूं जिसमें ये अच्छी ना लगी। ये पिक्चर कुछ नानी माँ के नाम से आई थी, तब ये 73 वर्ष की थी। यहाँ वो चली नहीं चली, वो रशिया में एक फेस्टिवल में गई, वहाँ इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला 73 साल की उम्र में। किसी एक्टर या एक्ट्रेस को इतनी बड़ी उम्र में अवार्ड नहीं मिला है, जिसका करियर खत्म हो रहा है। 5-6 साल बाद, 7 साल बाद उनकी डेथ भी हो गई। तो आप देखिए, वो नेचुरल एक्टिंग करते करते इतना मच गई कि मुझे लगता है कि जैसे वो एक्शन डायरेक्टर बोलता होगा, वो तो ऐसे बोल जाती होंगी जैसे अपने घर में ही बातचीत कर रही हैं। तो ये सब करते करते आता है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, जितने भी एक्टर बनना चाहते हैं, जो थिएटर करते हैं या फिल्मों में, एक नेचुरल तरीका अपनाइए। आप जब तक बिल्कुल नेचुरल नहीं होंगे, मतलब मुझे याद है, मैं ज़्यादा तो उनके साथ मैंने काम नहीं किया ना मिला हूँ, मैं एक सीरियल की शूटिंग देख रहा था, मेरे मित्र उसमें रोल कर रहे थे, दिल्ली के NSD के डायरेक्टर थे वो, फिल्मों में अच्छी फिल्में आजकल डायरेक्ट करते हैं। तो वो मेरा मित्र रोल कर रहा था, बहुत अच्छे एक्टर हैं मेरे वो मित्र। तो वो चिड़े आते थे कि यार मुझे एक्टिंग नहीं चाहिए। तो बल्कि वो हम कहते थे यार इसको एक्टिंग नहीं चाहिए, मैं एक्टिंग ही तो करने आए हैं। लेकिन बहुत बाद में वो समझ आया कि समथिंग नेचुरल लगे ऐसा कि आप अभिनय नहीं कर रहे हैं, आप जो हैं उस सिचुएशन में, उस सिचुएशन में जिस तरह बिहेव करते हैं आप वैसे लगें। तो ये बिल्कुल उसी तरह से रोल करती थी। तो आप क्या समझते हैं, क्या उन्होंने पहले दिन ही ऐसा किया होगा? ये सब करते करते आया होगा। देखिए, आवारा 1951 में आई थी, तब तक इनको कितना टाइम होगा, 4-5 साल हुए होंगे फिल्मों में आए। और बहुत छोटा सा रोल है, बड़े अलग तरीके से है, अकेले खड़ी हैं और इतना खूबसूरती से बोलती हैं। आप आवारा देखिए, कितना शानदार सीन हो गया। मिट्टी का घड़ा टूट कर जुड़ सकता है भैया, पर याद रखना, स्त्री की लाज का शीशा एक बार टूट जाए तो कभी नहीं जुड़ सकता। इम्पैक्ट भी छोड़ा, और बाकी तो डायरेक्टर का कमाल है, वो एम्बियंस और एटमोसफियर उस सीन का क्रिएट करने का। तो इस तरह के एक्टर बड़े रेयर होते हैं, और ऐसे एक्टर्स के बिना फिल्में चलती भी नहीं हैं। लोग कुछ भी बड़े बड़े एक्टरों का नाम लेके पैसा कमा जाएं, लेकिन चलने के लिए दो टांगों की आवश्यकता होती है, और कैरेक्टर एक्टर्स ही होते हैं जो एक फिल्म की दो टांगें होती हैं। अगर सपोर्ट में कोई आपके ना हो तो आप क्या करोगे? हीरोइन का बाप ना हो, हीरो का माँ, हीरो की माँ ना हो, तो क्या सपोर्ट लोगे आप? अपने इमोशंस किससे सुनाओगे, किससे कहोगे, और उनका रिएक्शन कहाँ से आएगा? तो ऐसे एक्टरों को देखकर जो आनंद आता है। अब देखिए, शोले की मौसी कोई भूल सकता? वैसे शोले का कोई भी कैरेक्टर नहीं भूल सकता, कोई भी, लेकिन मौसी का सीन देखिए, वो वैसे ही नेचुरल है। उन्होंने कुछ उसमें एक्स्ट्रा नहीं किया है, बाकियों ने बहुत कुछ किया होगा। असरानी साहब ने भी जोर लगाया, जगदीप साहब ने भी जोर लगाया, धर्मेंद्र साहब, अमिताभ बच्चन साहब ने भी अपना जोर लगाया, गब्बर साहब ने भी जोर लगाया,
लेकिन इनको कोई जोर नहीं लगाना पड़ा, ये जैसी थी वैसा ही किया और बिल्कुल नेचुरल। कहीं से भी आर्टिफिशियल ना लगना उसे ही एक्टिंग कहा जाता है। तो मैं समझता हूं कि इन लोगों की जो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को देन है वो ज़बरदस्त है। इन्होंने बड़े चरित्र नहीं किए, शायद हमारे डायरेक्टर्स जिनको अंडर एस्टिमेट किया और अंडर एस्टिमेट करने की वजह से ये अपना टैलेंट खुलकर नहीं दिखा सकी। और मैं उस डायरेक्टर को क्रेडिट देता हूँ जिन्होंने नानीमा में इनको एक मेजर रोल दिया होगा ऑब्वियसली, जिससे इनको 73 साल की उम्र में इनाम मिला सपोर्टिंग एक्ट्रेस और कॉमेडी का। नहीं तो 73 साल की उम्र में कौन कंसिडर करता है, 73 साल उम्र उस लाइन से ख़त्म होने की शुरुआत है। तो डिफरेंट सिचुएशंस, कभी वैम्प के रूप में, कभी प्यारी माँ के रूप में, कभी एक अनाड़ी मौसी, इस तरह की सिचुएशंस, जितनी वैरायटी इन कैरेक्टर एक्टर्स को मिलती है वो मेन कैरेक्टर्स को नहीं मिलती है। मेन कैरेक्टर्स का यूजुअली कैरेक्टर स्ट्रेट होता है, इनका राउंड होता है, मतलब टेन्योर अपने लाइफ के हिसाब से जो फिल्में मिलती हैं इनको टाइप ज़रूर लगते हैं कि हाँ भाई माँ ही बनी मौसी बनी, लेकिन उसमें भी सिचुएशन हर बार इनको अलग मिलती है। तो ऐसी महान एक्ट्रेस को मैं नमन करता हूँ। और हमारा जयरंगमंच का ये हमेशा प्रयास रहेगा कि हम उन छोटे एक्ट्रेस को जिसको दुनिया छोटा एक्टर मानती है, जिसे हम नहीं मानते, आपकी मुलाकात कराएं, आपको पता चले कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं और वो किस तरह फिल्मों में पहुँचे और किस तरह उन्होंने एक मुकाम हासिल किया। तो आज के बातें फिल्मों की में इतना ही, अगले एपिसोड में किसी और कलाकार से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। Thanks for viewing. Hope you liked it. Watch out for the next episode. Like, comment, or subscribe karna na bhule. Jai Rangmanch.